प्रोजेक्ट्स पे काम किया गया, तो आपके सारे के सारे यहाँ पे दिखाई दिए तरीके से, ठीक है। तो आपको अगर वो चाहिए आप कर सकते हैं, वरना इसको बंद करके वापस आ सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे होता है नॉलेज बेस, ये भी आपके काम आ सकता है। आप इस पर क्लिक करेंगे आपको बेंटली के साइट के फोरम पे ले जाएगा, टेक्निकल फोरम जो है, और आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अपना बेंटली की साइट पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये अकाउंट क्रिएट करने को पड़ेगा, साइन अप करने को, ठीक है। आप जब उस पर क्रिएट कर लोगे आप यहाँ पे अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप सारी चीजें एक्सप्लोर करके अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। देखो देख रहे हो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो आप यहाँ पे कई बार क्या होता है आपको डाउट पोस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, आपको यहाँ पे अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप ये जनरल सॉल्यूशन खोलोगे तो आपके पास वो पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जो लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं वो आप, क्या हो सकता है आपके मन में भी वही क्वेश्चन, ठीक है, आपके मन में भी हो सकता है वही क्वेश्चन हो। जैसे फिक्स्ड मेंबर लोड क्या होता है, आपने इस पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अगर किसी ने इस बात का आंसर दिया होगा, देखिए ये ना, ये किसी एक्सपर्ट ने आंसर दिया होगा, ठीक है, किसी किसी ने पूछा उसके बाद किसी एक्सपर्ट ने आंसर दिया, तो आपको इसका आंसर भी मिल सकता है, लेकिन आपको उसके लिए इस फोरम को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो एक ये भी तरीका होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट्स न्यू, ठीक है। तो व्हाट्स न्यू पे जो आप क्लिक करेंगे एक और टैब खुल जाए, खुल के आ जाएगा यहाँ पे। अब ये जो लेटेस्ट जो आप फीचर यूज कर रहे हैं उस वहां तक या उससे पहले के जितने फीचर्स आ चुके हैं, जितने वर्जन आ चुके हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि उसमें नया नया क्या था, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें ये तीन नई चीजें, इस पे क्लिक करेंगे इसमें ये तीन नई, ठीक है। सिमिलरली हर एक में कुछ ना कुछ अपडेट्स होंगे, वो अपडेट्स यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। बस इतनी सी बात है इसमें। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं नीचे, ये भी स्टैट की न्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तब होता है जनरली, ये सारे वर्जन पे नहीं आएगा, जरूरी नहीं आपके में दिखाए। दूसरी बात, ये तभी आएगा जब आप नेट से कनेक्टेड हो, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है आपको नहीं दिखाएगा। दूसरी बात ये है, ये सारे वर्जन में नहीं आएगा, ठीक है, कभी कभार दिखाता है क्योंकि हमने एक्सेस वर्जन है हमारे, इसलिए हो सकता है शायद कुछ लोगों में दिखाए कुछ ना दिखाए, ठीक है। तो अभी आप जो ये देख रहे हैं उसके बारे में आपको न्यूज़ दिखा रहे हैं, कनेक्ट एडिशन में क्या क्या नई चीजें हैं, उसका वेबिनार इन लोगों ने कब रखा है, जुलाई 15, 2011 बजे, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन उसको अटेंड कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। एक वर्कशॉप अटेंड करवा रहे हैं, 20 ये वर्कशॉप हो चुके, देखो 20 मई 2020 को एक वर्कशॉप इवेंट हो चुका सिंगापुर। इस तरीके से ये आपको सारे के सारे बताते हैं, ठीक है। आप लोगों का सेलेक्ट सीरीज में जो आया था वर्जन लेटेस्ट वो है सेलेक्ट सीरीज 6, उसके बाद जो कनेक्टेड, उसके बाद जो अगला वर्जन आया वो कनेक्ट एडिशन आया, ठीक है। तो कनेक्ट एडिशन के अभी भी कई सारे अपडेट्स आ रहे हैं, इसलिए ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस चीज पर भी ट्रेनिंग करना ठीक नहीं है, ठीक है, कई सारे चेंजेस चल रहे हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका बाहर वाला पेज था, ठीक है, यहाँ तक जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये आपका बाहर वाला पेज था, जो कि आप स्टैट प्रो खोलते हैं तो आता है, ठीक है। ये वाले आपको बताना जरूरी था क्योंकि आप यूज करेंगे कई सारे फीचर्स। अब इसके बाद जब हम अंदर जाते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो हम कौन से ऑप्शंस को यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं न्यू प्रोजेक्ट को, दिख रहा है आप सब लोगों को, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जाते हैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू प्रोजेक्ट, तो हमें नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। सब लोग ध्यान से देखिएगा प्लीज, यहाँ पे हमारे पास ये चार ऑप्शन आते हैं जिनको मैं अभी डिस्कस करूंगा 5 मिनट। तो पहले हम लोग ये साइड की चीजें डिस्कस, सबसे पहले आपके पास आता है फाइल नेम। तो फाइल नेम अगर आप यही रखोगे, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ोगे तो ये आपसे एक बोलेगा, बोलेगा कि ये वाली फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, देखो यहाँ पे ये वाली फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ये आपसे बोलेगा कि क्या आप उसको ओवरराइट करना चाहते हैं, अगर आप ओवरराइट करेंगे तो फाइल का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा और फिर इस वाली फाइल से शुरुआत होगी जीरो से, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट दबाओगे अगर तो आपसे बोलेगा कि ये फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है, क्या आप इसको ओवरराइट करना चाहते हैं। आप अगर यस करेंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा, नो करेंगे तो वापस यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। वरना आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एक नया नाम भी, ठीक है, आप इसको एक नया नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है ये वाला कि आप क्या चाहते हो आपकी फाइल की लोकेशन कहाँ पे सेव हो, ठीक है। अगर मैं नहीं चाहता, ये मेरी जो फाइल्स है या आपको दिखा चुका पहले खुद, हमारी सारी की सारी फाइल्स इन प्लगइन्स के अंदर जाती है, ठीक है, मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ सारी चीज। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी फाइल्स इस वाले फोल्डर के अंदर से वो कहीं और, तो आप क्या करेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे दबाएंगे,
आप इस पे करेंगे, आप यहाँ से अपनी नई लोकेशन दे सकते हैं कि आप कहाँ पे करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर जाके मैं इस वाले फोल्डर के अंदर करना चाहता हूँ स्टैट टीआर, ठीक है, तो मैंने डबल क्लिक किया इस, या फिर एक बार सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप ओके, तो आप देखेंगे कि आपकी लोकेशन चेंज हो डेस्कटॉप पे, इस फोल्डर के अंदर जाके मेरी सारी फाइल सेव हो, ठीक है। लेकिन मैं जनरली डेस्कटॉप पे नहीं रखता हूँ फाइल्स को, मैं थोड़ा अंदर की तरफ को ही रखता हूँ सेव, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं वापस उस जगह पे जाके सेव, यहाँ पे था वो, उसके बाद टैड वाले फोल्डर में प्लगइन्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे जाके ओके करेंगे तो मेरा वो वापस से वही पुराना लोकेशन हो गया, ठीक है। तो लोकेशन चेंज करना सबको आ गया, कैसे करेंगे फाइल की लोकेशन चेंज अगर आप करना चाहें, अगर आप कहीं और पे सेव करना चाहें, ये बात सबको समझ में आ गई है, हाँ या ना? चलिए बढ़िया, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये लोकेशन यहाँ रिपीट करना है, देखो रिपीट आप, मैं इनको ये बता रहा था सब लोगों को, आप लोगों को, मैं ये जो फाइल आप बना रहे हो ना, ये अगर आप सेव करोगे तो लोकेशन होगी आपकी, फाइल मिलेगी आपको इस जगह मिलेगी सी ड्राइव में, इस फोल्डर के अंदर, स्टैट प्रो वीएटआई SS5 स्टैट नाम, उसके अंदर स्टैट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर प्लगइन्स का फोल्डर है, उसके अंदर जाके मिलेगी। अगर आप चेंज करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आप मान लो किसी और फोल्डर में करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं करना चाहता हूँ ट्यूटोरियल नाम के फोल्डर में, ठीक है, इस ट्यूटोरियल में 2006 नाम के फोल्डर के अंदर जाके मैं ओके कर दूँ, तो मेरी जो लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी, फिर उसके अंदर जाके सेव हो, ठीक है स्नेहा? अब आ गया समझ में आपको? स्नेहा जी आपको समझ में आ गया? अब वापस अगर आपको लाना है उसी पे पुराने वाले पे, तो मैं क्या करूंगा दोबारा यहाँ क्लिक करूंगा, मुझे पता होना चाहिए वो फोल्डर कहाँ है, एस्ट्रो वीएटआई स्टैट के अंदर फोल्डर है, प्लगइन्स नाम का फोल्डर है, यहाँ पे क्लिक किया और ओके दबा दिया। बस आपको आखिरी फोल्डर पे क्लिक करना होता है एक बार, अगर आप इसके अंदर ले जाओगे तो उसके अंदर चली जाएगी, लेकिन मैं प्लगइन्स में ही सेव करना चाहता हूँ, जाके ओके कर दिया तो उस फोल्डर के अंदर जाके सेव हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं यूनिट्स के ऊपर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो जो डिफॉल्ट यूनिट सेलेक्ट हो रखी है वो रखी है मीटर और किलो न्यूटन, ये बात सभी मान रहे हो? यहाँ पे जो डिफॉल्ट यूनिट्स में सेट हो रखी हैं वो रखी है मीटर्स और किलोन्यूटन्स। अब ये क्यों हो रखी है, क्योंकि मैंने मेट्रिक सिस्टम सेलेक्ट किया था, अगर मैं इंग्लिश सिस्टम सेलेक्ट करता तो ये मेरे को दिखा रहा था और पाउंड, लेकिन क्योंकि मैंने मेट्रिक सिस्टम सेलेक्ट किया तो मीटर और किलोन्यूटन्स में किया है, और मैं काम भी इन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर, मैं काम भी इन्हीं यूनिट्स में करना चाहता हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ठीक है, ये आप लोगों की भी पर्सनल चॉइस रहेगी, क्योंकि आप लोग इसको पढ़ के एक तरीके से समझ पाते हो, ठीक है, एक मीटर कितना हो सकता है, आपको जब आप पाउंड में करोगे आपको ये पता रहता है एक किलोग्राम कितना होता है, एक किलो न्यूटन कितना होता है, लेकिन अगर आप पाउंड में काम करोगे आपको आइडिया नहीं लगेगा कि पाउंड कितना होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इस यूनिट्स को यूज करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद अब आखिरी चीज मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मैं ये चार चीज, ठीक है, अब बात आती है इनके ऊपर कि भाई ये चार चीजें जो है ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले बात कि ये जो चार चीजें हैं आपकी, एक है स्पेन, एक स्पेस, एक है प्लेन, एक है फ्लोर, एक है ट्रस, आप सब में से कोई भी इनमें से कोई भी एक चीज समझा सकता है अगर आपको पता है तो, मुझे जहां तक उम्मीद है आपको कम से कम ट्रस के बारे में तो पता ही होगा, अगर बाकी तीन नहीं भी पता तो बताइए कोई, मतलब कोई भी, अगर आपको स्पेस बताया स्पेस बता दो, अगर आपको प्लेन बताया प्लेन बता दो, फ्लोर पता है तो फ्लोर बता दो, अगर आपको ट्रस पता है तो ट्रस बताओ कि होता क्या है, डिफाइन कैसे कर, चलिए
डेफिनेशन नहीं थी, लेकिन हाँ आसपास की जरूर। ठीक है, रॉबिन सिंह, ये तो बिल्कुल ही गलत डेफिनेशन है। टेंशन मेंबर सिर्फ ट्रस्ट नहीं होता, और कई सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं टेंशन मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं ट्रस्ट की। तो आप लोगों ने सबने आसपास की चीजें बोली कि उसमें पिन जॉइंटेड होता है, और उसमें कई लोगों ने कहा कि जॉइंट्स, ठीक है, जो सही नहीं। ठीक है, कई लोगों ने बोला है कि वो बात बिल्कुल ठीक है। एक सेकेंड, क्या वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आप एक बार बताइए जरा, थोड़ा आज नेटवर्क कनेक्शन का प्रॉब्लम चल रहा है, बाहर कर रहे हैं वो, थोड़ा नेट का स्लो आ रहा है। अभी आवाज क्लियर है मेरी? अब आ रही है बाकी लोगों को? आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता कि ट्रस्ट होता क्या है। ठीक है, एक तरीके से ट्रस्ट ऐसे इस ध्यान से देखना है। ठीक है, कोई तरीके का रोड, ठीक है, हमारे चैप्टर के अंदर मैं जरा कनेक्शन चेंज करता हूँ। क्या मेरी आवाज सब लोगों को क्लियर आ रही है? ठीक क्या मेरी आवाज सब लोगों को क्लियर आ रही है? एकदम, एक सेकंड, चलो। हाँ जी, मैं क्या बात कर रहा था, मैं आपको बता रहा था ट्रस्ट के बारे में। तो ट्रस्ट में मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि ट्रस्ट में एक बात आप सब लोगों ने सही बोला कि ट्रस्ट होता है वो पिन जॉइंटेड मेंबर होता है। ठीक है, हिंज्ड होता है। हिंजर, तो हिंज का फंक्शन क्या होता है, हिंज करता क्या है, हिंज क्या इफेक्ट कॉज करता है मेरे स्ट्रक्चर के अंदर या फिर लोड कैरिंग में, क्या आप लोग बता सकते हैं? हाँ, रोटेशन अलाउ करता है, इसका मतलब जो मूवमेंट्स होते हैं बेंडिंग मूवमेंट को जीरो कर देता है। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट को जीरो कर देता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, आप ट्रस के ऊपर किसी भी तरीके का लोड लगा दो, ठीक है, कहीं से भी कैसा भी, भले वो शियर लोड हो या वो टेंसाइल लोड हो या फिर कंप्रेसिव लोड हो या फिर एक्सियल लोड हो, इन द एंड ट्रस क्या करता है, उसको एक्सियल लोड में कन्वर्ट करके ही ट्रांसफर करता है अपने आसपास के मेंबर्स। ठीक है, इन द एंड उसको वो एक्सियल लोड बना देता है और एक्सियल लोड बना के ही उसको ट्रांसफर करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो क्रैक्स डेवलप करने का फंक्शन होता है, मतलब स्टील में पहली बात तो क्रैक्स इतनी आराम से डेवलप नहीं होते, दूसरी बात उसका फेलियर
जो होता है वो बहुत ही मुश्किल से होता है, ठीक है। तो लाइट जो मतलब लाइट मेंबर्स में भी अगर आपका ट्रस्ट का जो वेट है वो लाइट है, उसके बावजूद वो अपने वेट के हिसाब से कई गुना ज्यादा लोड्स कैरी कर सकता है इन कंपैरिजन टू कंक्रीट, ठीक है, इन कंपैरिजन टू कंक्रीट। वो मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ, ट्रस्ट में क्या होता है, जहां पे हम लोग कंक्रीट के ब्रिजेस और पिलर्स नहीं बना पाते, तो वहां क्या करते हैं, एक स्टील के सेक्शन से जिसमें ट्रसेस होते हैं उससे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, उसी सेक्शन को बिना पिलर के सपोर्ट के ज्यादा लंबाई में भी लगाया जा सकता है और वो उसको सपोर्ट कर लेता है। तो ट्रस में आपको ये जानना जरूरी है कि ट्रस अगर आप यूज करेंगे तो उसमें एक्सियल लोडिंग चलेगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग फ्लोर, ठीक है। फ्लोर क्या होता है, फ्लोर का जो ओरिएंटेशन होता है वो आप देखेंगे हमेशा एक्स वाई प्लेन में होता है। देखिए मैं आपको एक्सिस पहले दिखा चुका था, यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्स, ठीक है। तो आप जो देख रहे हो यहाँ पे फ्लोर का ओरिएंटेशन वो एक्स जेड एक्सिस में होता है हमेशा, ठीक है। उसके ऊपर जो जब भी लोड्स लगेंगे तो आपको ये बात हमेशा इंश्योर करनी पड़ेगी, या फिर आप हमेशा मतलब ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि जब भी उसके ऊपर लोड्स लगाएंगे वो हमेशा एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर लगेंगे, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर लोड्स लगेंगे हमेशा, ये बात याद रखिएगा आप लोग। जब भी सरफेस के ऊपर लोड लगाएंगे तो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर लोड्स लगेंगे और जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, जिस तरीके से, ठीक है, नीचे वाले एरिया में जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? इसके बाद आते हैं हम लोग, ये था हमारा फ्लोर। फ्लोर के बाद अब एक चीज और, एक चीज और, अगर हम फ्लोर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग जो सारी लोडिंग्स और अनलोडिंग बात कंडीशंस की बात कर रहे हैं वो 2D में कर रहे हैं, ठीक है, टू डायमेंशनल की बात हो, ठीक है। सेम चीज आपकी होती है प्लेन के साथ, प्लेन आपका कुछ नहीं होता, प्लेन एक तरीके से फ्लोर का बस परपेंडिकुलर वर्जन है जो कि आपका काम करेगा एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस। प्लेन काम करेगा वो आपका एक्स वाई एक्सिस में काम करेगा, और इसमें जो लोडिंग्स होंगी वो आपकी यूनिडायरेक्शनल नहीं होगी, आपकी बाई डायरेक्शनल, ठीक है। यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल लोडिंग थी, मतलब कि एक डायरेक्शन में लोड कर रहा है और उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो लोडिंग होगी वो ऐसे भी हो सकती है वाई एक्सिस पे भी और वो आपकी एक्स एक्सिस पे भी ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका डिफ्लेक्शन है वो ऐसा भी हो सकता है और वो आपका डिफ्लेक्शन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल लोडिंग और बाई डायरेक्शनल डिफ्लेक्शन, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए इसके बाद अब बात करते हैं एक उसकी, अपने फ्लोर की, ठीक है, सॉरी स्पेस की, स्पेस फ्रेम, ठीक है। तो स्पेस फ्रेम क्या होता है, जैसा कि उसका नाम सजेस्ट कर रहा है, स्पेस फ्रेम होता है 3D फ्रेम, ठीक है। ये अभी तक जो बातें चल रही थी वो 2D की चल रही थी, फ्लोर और प्लेन में, स्पेस फ्रेम होता है 3D फ्रेम, ठीक है, इस तरीके से। स्पेस इसमें जो आपके लोड्स लगते हैं वो थ्री डायरेक्शनल हो सकते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है, ये ऊपर से नीचे एक्स एक्सिस में और आपका इसी टाइम पे ये इस तरीके से जेड एक्सिस, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, लोडिंग आपकी सॉरी डिफ्लेक्शन आपका ऐसे भी हो सकता है, आपका डिफ्लेक्शन ऐसे भी हो सकता है और ये जो ऊपर से नीचे लग रहा है उसकी वजह से आपका डिफ्लेक्शन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तीनों डायरेक्शन में एक साथ एक ही वक्त पे लोड भी लग सकते हैं और तीनों डायरेक्शन में एक ही साथ एक ही वक्त पे बेंडिंग भी हो सकती है, डिफ्लेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो तब हम लोग यूज करते हैं, या फिर अगर मैं और ज्यादा सिंपल वर्ड्स में आपसे कहूं, जब आपको 3D में काम करना है आप लोग हमेशा स्पेस फ्रेम को ही यूज करें, ठीक है। 99% ऑफ द टाइम्स, क्या आप कह सकते हैं 99.9% ऑफ द टाइम्स हम लोग स्पेस फ्रेम को ही लेके चलेंगे आगे के आने वाले दिनों में भी, क्योंकि स्पेस फ्रेम में ही बाकी के तीन भी इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। स्पेस फ्रेम हेड ऑफ द फैमिली है, उसके नीचे बाकी के तीन भी आते हैं, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या ये बात सब स्टूडेंट्स को क्लियर है, एक बार मुझे कंफर्मेशन दे देंगे प्लीज?
बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं स्पेस। लोकेशन डिसाइड कर चुका हूँ और कौन सी यूनिट्स में काम करना है मैं वो भी डिसाइड कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं आ जाता हूँ अगले पेज पे। हाँ जी सुमित, सुमन सौरभ जी, प्लेन भी 2D में ही होगा, तो 2D ही मतलब उसका। अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ अगले पेज के ऊपर जिसमें मेरे पास ये सारे ऑप्शन है। तो आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, एक क्वेश्चन आ रहा है ऊपर, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, ठीक है। सॉफ्टवेयर ही आपसे पूछ रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। आप ये बताइए, क्या आप डायरेक्टली बीम्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्टली प्लेट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप सॉलिड्स के ऊपर काम करना चाहते हैं। अब देखो बीम से अगर आप काम कर, देखो अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, 95 से 98% टाइम आप लोग ये एड बीम वाला ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है। क्यों? ये सबसे बेसिक कॉम्पोनेंट होता है क्रिएट करने के लिए कुछ। प्लेट और सॉलिड हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग ये बेसिक बीम्स और कॉलम्स क्रिएट कर चुके होते हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्लेट से स्टार्ट नहीं करते। प्लेट्स हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे हमें स्टेयर केस बनाना है, जहाँ पे हमें स्लैब्स बनानी है, ठीक है। और सॉलिड हम लोग यूज करेंगे वहाँ पे जहाँ पे हमें मान लो बड़े बड़े ह्यूज स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, सच एज डैम, डैम बनाना है आपको, या फिर रिटेनिंग वॉल बनानी है, तो वहाँ पे आप लोग सॉलिड यूज करो, ठीक है। लेकिन हम लोग हमेशा बेसिक से मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं मोस्ट टाइम्स, और जितने हमारे पास दिन है सीखने के लिए उसमें हम लोग बेसिक से लेकर मीडियम तक तो एटलीस्ट पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, ठीक है। एडवांस भी हमें देखना पड़ेगा, अगर स्टूडेंट्स की कैपेसिटी हुई उतनी ज्यादा ग्रैस्प करने की, ठीक है, इतना ज्यादा आप लोग अगर ग्रैस्प कर पाए कि हम लोग एडवांस लेवल तक पहुंच पाए तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग कर लेंगे। अगर नहीं हो पाए तो मीडियम तक तो एटलीस्ट पहुंचने का हमारा एम है ही है, ठीक है। सुमन जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप प्लेन यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर चलिए सबसे पहले फ्लोर की बात करते हैं। अगर आप फ्लोर की बात कर रहे हैं तो फ्लोर में जब आप लोड लगाएंगे तो वो वाई डायरेक्शन में एक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि जो फ्लोर है फ्लोर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड, लेकिन प्लेन जो है मेरा वो एक्स वाई डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, तो आपका एक टाइम पे दो ही डायरेक्शन में लगेगा, या तो एक्स और वाई में लगेगा, या फिर वाई और जेड में लगेगा, या फिर एक्स और जेड में लगेगा, ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम दो, एक में भी लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है आपको, कोई डाउट? चलो हाँ, तो मैं आपसे बोल रहा था एड बीम, एड प्लेट और एड सॉलिड, ये तीन अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। बीम कंपोनेंट से ही हम जनरली स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बीम बाय बीम या फिर कॉलम बाय बीम ऐसे बना के चलते हैं आगे को, ठीक है। तो अभी तो हम केवल ऑप्शन यूज करेंगे, उसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन आता है ओपन स्ट्रक्चर। आप जब भी किसी के ऊपर क्लिक करोगे आपको उसके नीचे वहां पे वो भी दिखाएगा, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन भी दिखाएगा, ठीक है। तो अगर आप प्लेट वाला करते हैं, प्लेट का डिफरेंस, प्लेट और बीम में डिफरेंस क्या होता है, बीम होती है टू नोडेड, ठीक है, एक स्टार्ट नोड होता है, एक एंड नोड होता है। लेकिन जो प्लेट होती है, प्लेट आपकी मिनिमम 3 नोडेड होती है और मैक्सिमम 4 नोडेड, या तो आपके तीन साइड्स होंगे ही होंगे या फिर चार साइड्स मैक्सिमम। सिमिलरली सॉलिड जो होता है, सॉलिड में आपका मिनिमम चार साइड होंगे ही होंगे और मैक्सिमम 8 साइड हो सकती है, ठीक है। जैसे एक ब्रिक होती है, ब्रिक की बात करें उसकी मैक्सिमम 8 साइड होती है, ठीक है। तो 8 साइड से ऊपर का हमारे पास बनाने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, आपको फिर डिसजॉइंटेड बनाना। उसके बाद आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर थर्ड ऑप्शन पे। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, बिगिन बिल्डिंग योर मॉडल बाय यूजिंग स्टैंडर्ड पैरामेट्रिकल स्ट्रक्चर टेम्पलेट फॉर ट्रेसेस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कुछ मॉडल्स, कुछ प्री मॉडल चीजें हमारे पास पहले से लाइब्रेरी के अंदर पड़ी हुई हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपको लगता है कि आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप टाइम की बचत करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली वहां से उठा के उसको अपने स्ट्रक्चर में ला सकते हैं और उसके उसके ऊपर काम करना शुरू कर, ठीक है। और हम ये देखेंगे भी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस देखेंगे भी, ठीक है। अगला ऑप्शन आता है आपके पास ओपन स्टैट एडिटर। स्टैट एडिटर मैंने आप लोग शायद अभी तक नहीं बताया, चार साइड सॉलिड का एग्जांपल उज्जवल जी बॉक्स है, एक बॉक्स, एक बॉक्स को आप चार साइड सॉलिड बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक ऑप्शन आता है ओपन स्टैट एडिटर, ठीक है। ओपन स्टैट एडिटर और कुछ नहीं है, आइए आगे बढ़े। अभी भी क्या साउंड प्रॉब्लम हो रही है या क्लियर है सबको मेरी आवाज? क्लियर है ना बाकी लोगों को? क्लियर है तो अभिनंदन जी, ये वाली प्रॉब्लम आपकी साइड से है, प्लीज देखिए एक बार, ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर आ रही है? चलिए
चलिए चलिए ठीक है ठीक है, आगे देखते हैं आगे देखते हैं। तो आपको मैंने ग्रिड ऑन ऑफ करने के दो तरीके बताए। पहले आप जाएंगे ज्योमेट्री टैब में, यहाँ पे ठीक है, ज्योमेट्री टैब में आपको ये ग्रिड मिलेगी। ग्रिड के अंदर आपको मिलेगा स्नैप नोड बीम, ठीक है, उसके अंदर आप ये जो टिक देख रहे हैं, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपकी ग्रिड ऑफ हो जाएगी, अगर आप ऑन कर देंगे तो ग्रिड वापस आ जाएगी। ये तो है पहला तरीका। दूसरा तरीका है आपके पास ये वाला, ठीक है, जो स्नैप नोड बीम का ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे ये ऑफ हो जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे ये ऑन हो जाएगी, ठीक है, ये ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। उसके बाद देखिए सबके सब, उसके बाद देखिए अब ये जो ग्रिड बनी हुई है, ठीक है, इसको अगर मैं एडिट करना चाहूँ, एडिट करने का मतलब है ये जो आप बीच में डिस्टेंस देख रहे हैं इसके बीच में, ठीक है, एक एक यूनिट का डिस्टेंस है, अगर मैं चेंज करके इसको 1.5 यूनिट्स, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट का डिस्टेंस देना चाहूँ इनके बीच में, ठीक है, अगर 4 यूनिट का डिस्टेंस दूंगा तो ग्रिड कैसे बनेगी? पहले पॉइंट आएगा 0, फिर आएगा 4, फिर आएगा सीधे 8, फिर आएगा 12, फिर आएगा 16, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा तो कि आप इनके बीच में डिस्टेंस देख रहे हो ये एक यूनिट का, असलियत में ये कितना डिस्टेंस है कोई बता सकता है? असलियत में ये डिस्टेंस है, क्या आप लोग बता सकते हैं कितना डिस्टेंस है? एक मीटर, ठीक है, बिल्कुल सही। मीटर क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बाहर यूनिट्स को सेलेक्ट किया है मीटर, ठीक है, हमने बाहर जो यूनिट सेलेक्ट करी थी वो मीटर करी थी, और हमें साफ साफ ये तो दिख ही रहा है कि इसके बीच में जो यूनिट डिस्टेंस है वो एक है, ठीक है, यूनिट डिस्टेंस एक है, और अगर आप यूनिट की बात करेंगे वो मीटर है, ठीक है, एक मीटर का डिस्टेंस। अब चाहिए आगे बढ़ते हैं, अगर मैं चेंज करना चाहूँ इसको कि कैसे दिखेगा क्या होगा इसी ग्रिड के ऊपर, बनी हुई ग्रिड है, तो मैं यहाँ जाता हूँ राइट साइड में, आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा सब, ठीक है, यहाँ पे सबको एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, जाके एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, एडिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे लीनियर ग्रिड लिखा हुआ है, इसका नाम, ये ग्रिड का टाइप है लीनियर, ठीक है, नेम इसका डिफॉल्ट है, ये सब चीजें मैं चेंज नहीं कर सकता इनमें, ठीक है, ये वाली चीज है मैं इनमें चेंज नहीं कर सकता। अब आते हैं इन चीजों पर, सबसे पहली बात आता है आपके पास प्लेन, तो प्लेन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि कौन से प्लेन में इंक्लाइंड है ग्रिड मेरी, तो आप लोग यहाँ पे इससे कंपेयर करके देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में बॉटम में आपको दिख रहा है सबको, यहाँ पे आप लोगों को ग्रिड सिस्टम दिखा रखा है कि एक्स एक्सिस कौन सी वाली है, वाई कौन सी और जेड कौन सी है, ठीक है, जेड आप देख रहे हो स्क्रीन से अंदर बाहर है, वाई ऊपर से नीचे, एक्स है लेफ्ट से राइट, वही आपको प्लेन यहाँ पे दिखा रखे हैं। अगर आप इसको इसका प्लेन चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि एक्जेड प्लेन में ओरियंट हो जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आके एक्जेड पे क्लिक करोगे, जब आप एक्जेड पे क्लिक करोगे आप देखोगे कि आपकी जो ग्रिड है वो एक्जेड प्लेन में ओरिएंटेशन हो, इसमें ये वाली जो एक्सिस है ये वाली जेड है, और ये वाली जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली अगर आप वाई जेड में करना चाहते हो, वाई जेड में भी कर सकते हो, और यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हो कि वाई जेड एक्सिस में ऐसे ही ओरिएंटेशन हो, उसमें जो ये वाली एक्सिस है ये जेड है, और ये वाली जो एक्सिस है ये आपकी वाई है, ठीक है। अब मैं वापस ले आता हूँ एक्स वाई पे इसको, अब आते हैं एंगल ऑफ प्लेन पे, तो ये जो पूरा का पूरा प्लेन है आपका एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई प्लेन जो है वो अभी जीरो डिग्री पे ओरिएंटेशन है उसका, लेकिन जो ओरिएंटेशन हो रखा है वो वाई वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रखा है, ये वाली एक्सिस, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहो यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल आप 90 डिग्री से रोटेट करना चाहते हो, यहाँ पे 90 कर दो, एंगल ऑफ प्लेन आप देख रहे हैं डिग्रीज में दे रखा है, ठीक है, तो आप 90 करना चाहते हो, आप जाके यहाँ पे एंटर दबाओगे तो आपका वाई एक्सिस तो अपनी जगह ही रहेगा, लेकिन एक्स एक्सिस जो है वो रोटेट हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब आपको चेंज करना है, वापस से इधर आओ, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करो, अब आप ये जो ओरिएंटेशन है आप इसके नहीं एक्स एक्सिस के अलोंग करना चाहते हो, तो आप इसको क्लिक कर दो, तो आप देखोगे कि एक्स एक्सिस तो अपनी जगह ही रह गया, वाई एक्सिस 90 डिग्री से रोटेट हो गया, आप अपने स्क्रीन को शेयर कर सकते हो क्या अगर आप सिस्टम से बैठे हो तो? कौन से होल स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैं आपकी बात वैसे समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ मिली जी, एंगल रोटेट करने पर यही तो हो रहा है, प्लेन चेंज हो जा रहा है पूरा, ठीक है, लेकिन ये तब हो रहा है जब मैं पूरा 90 डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ, आप 30 डिग्री से भी कर सकते हो, 45 डिग्री से भी, ठीक है,
उसमें आपका प्लेन पूरी तरीके से चेंज नहीं होगा, आप किसी और प्लेन पे तो चले जाओगे ऑब्वियसली, लेकिन वो एग्जैक्टली एग्जैक्ट या एक्स वाई प्लेन नहीं होगा, ठीक है, वो बीच का कहीं का प्लेन होगा। जुवल, आपका होल स्ट्रक्चर शो कर रहा है, मैं समझ नहीं पाया होल स्ट्रक्चर कैसे दिखा रहा है। अच्छा मैं समझ गया, आपका सिर्फ ये दिख रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये दिख रहा होगा बीच वाला, आप ये कहना चाह रहे हैं ना, आपका ये सिर्फ ये जो पोर्शन है होल स्ट्रक्चर ये सारा का सारा दिख रहा है, साइड वाला नहीं दिख रहा जी। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक काम करो देखो, आपका जो ये मैक्सिमाइज हो रखा है ना वो बहुत कोने तक हो रखा है, उसको आप यहाँ से कोने से पकड़ो, ड्रैग करके अंदर की तरफ को ले आओ, ठीक है, पहली बात तो ये जो है इसको ड्रैग करके अंदर की तरफ ले आओ, उसके बाद जब यहाँ पे स्पेस बचेगी आप ज्योमेट्री पे क्लिक करोगे वो अपने आप सारा का सारा राइट साइड में आ जाएगा खुल के, ठीक है। आप जैसी ज्योमेट्री पे क्लिक करोगे, ज्योमेट्री पे क्लिक करने के बाद बीम पे भी क्लिक कर देना एक बार, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली राइट में ये सब खुल के आ जाएगा, अगर नहीं आएगा वो आपके कोने में आएगा, उसको ड्रैग करके अंदर की तरफ ले आना, ठीक है, वो ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो आप फुल फुल उसमें खोल दिया आपने, मैक्सिमाइज कर दिया उसको, मैक्सिमाइज नहीं करना, ठीक है। चलो हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको, अगर एंगल ऑफ प्लेन आपको रोटेट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहो तो 40 दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे तो आपके पास अगला ऑप्शन आता है ग्रिड ओरिजिन का, आप लोग यहाँ पे अपने आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जो ग्रिड का ओरिजिन है वो 0 0 0 पर होता है, ठीक है, लेकिन जेड एक्सिस तो है ही नहीं क्योंकि जेड प्लेन पे काम ही नहीं हो रहा, तो ये वाला जीरो इसका कोई मतलब नहीं है अभी, अभी जो मेरा एक्स और वाई है वो है इसका ओरिजिनल, ठीक है। अगर आप इसको ओरिजिन चेंज करना चाहो, फॉर एग्जांपल आप एक्स में माइनस टू और वाई में भी माइनस टू करना चाहो, तो आपका देखो यहाँ से ओरिजिन देख रहा, आपका ओरिजिन चेंज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ से काउंटिंग शुरू हो रही है, तो अगर आपको नेगेटिव एक्सिस में ले जाना है तो आप इस तरीके से भी ले जाते हैं, ठीक है। बात यह आती है कि ओरिजिन जो होता है वहां पे आपको इस तरीके के सर्कल बना हुआ दिखता है, दिख रहा है आपको माइनस टू टू के आसपास, ये देखो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा टू के आसपास कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ओरिजिन है। अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर मैं ओरिजिन को जीरो पे ही रखना चाहूँ और उसके बाद ये ग्रिड इधर को लेफ्ट में ले जाना चाहूँ, मतलब नेगेटिव में ले जाना चाहूँ, तो वो कैसे होगा? बिल्कुल वो भी हो जाएगा, आप लोग वापस एडिट में आओ, ठीक है, इसको वापस से आप कर दो, ठीक है, ओरिजिन मेरा जीरो पे आ गया दोबारा से, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे आइए नीचे कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन कुछ नहीं होती, ये जो आपकी एक्स और वाई एक्सिस जा रही है ना, ये आप फाइनाइट तक भी ले जा सकते हो या फिर आप जीरो पे भी लाके खड़ा कर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन लाइन जो है आपकी, इसको आप चेंज कर दो, ठीक है। अगर आपको ये ओरिजिन जीरो पे ही रखना है और आप चाहते हो कि ग्रिड मेरी नेगेटिव में जाए, तो आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल चाह रहे हो एक्स में माइनस फाइव तक जाए ग्रिड, या फिर आप चाह रहे हो माइनस टेन तक जाए, तो आप यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाओगे, सिर्फ लिखोगे टेन। सिमिलरली वाई में भी यही करोगे, सिर्फ लिखोगे टेन, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका जो ग्रिड सिस्टम है वो माइनस टेन से यहाँ से शुरू हो रहा है और वाई वाला भी माइनस टेन से, लेकिन ओरिजिन कहाँ होगा, ओरिजिन होगा मेरा जीरो कॉमा जीरो, तो यहाँ कहीं होगा, ये देखो ये दिख रहा है आपको ओरिजिन, इस तरीके से आपको गोले से दिखाया जाएगा, ठीक है। अब ओरिजिन का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई भी चीज इम्पोर्ट करोगे बाहर से, अगर आप खुद अपने हाथों से बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप जो लाइब्रेरी है अगर वहां से इम्पोर्ट करोगे, वो कई बार आपसे पूछता भी है, वैसे तो हर बार पूछेगा कि आपको कहाँ पे लगाना है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, लेकिन मैं जनरली ओरिजिन पे लगाऊंगा, अगर ओरिजिन पे लगाऊंगा तो वो वहाँ बीच में आके लग जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस ग्रिड के साथ खेल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से जो नंबर डालना चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं, बस ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे नेगेटिव चलेगा, इस वाले में नेगेटिव नहीं चलेगा, ठीक है। मैं इसको वापस से आप कर देता हूँ जीरो। अब आते हैं राइट वाला, राइट वाला आप जहां तक चाहो वहां तक कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं 20 करना चाहूँ एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स पे 20 कर दिया, वाई पे 10 है, तो आपकी ग्रिड देखना थोड़ी सी इरेगुलर दिखेगी, एक्स में लंबी हो गई वाई में छोटी हो गई, ठीक है, लेकिन जो यूनिट डिस्टेंस है वो भी सेम है, तो वापस इसको 10 कर दो। अब आते हैं स्पेसिंग पे, स्पेसिंग होती है आपकी बीच का डिस्टेंस, अभी आप देख रहे हो 1 मीटर का डिस्टेंस सबके बीच में, मैं एक्स एक्सिस पे करना चाहता हूँ सबके बीच का डिस्टेंस मान लो 1.5 मीटर, ठीक है, और वाई पे करना चाहता हूँ 0.5 मीटर, ठीक है। तो आप देखोगे कि x एक्सिस पे आपका 1.5 1.5 की डिस्टेंस को हो गया और y एक्सिस पे आपका हो गया 0.5 0.5 मीटर की डिस्टेंस, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल कबलेश जी, साइन और मॉडलिंग दोनों की दोनों 3D में होंगी, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इस ग्रिड को चेंज कर सकते हो, मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे, इसको मैं फिर से कर देता हूँ जीरो, अभी मेरे को सब कुछ नॉर्मली रखना है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आते हैं ये स्क्यू बन रही है, ठीक है, फिर आता है स्क्यू,
अब स्क्रू क्या होता है, आप देख रहे हो उसके आगे डिग्री का साइन लगा हुआ है, ठीक है। ऊपर जो हम यहाँ पे एंगल दे रहे थे ना, वो पूरा प्लेन का एंगल चेक हो रहा था। यहाँ पे अगर आप ये अभी एंगल दोगे तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एक्सिस का होगा जिसके सामने वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं एक्स एक्सिस को 45 डिग्री से रोटेट करता हूँ, ठीक है, 45 लिखा, तो वाई एक्सिस वैसी की वैसी है, एक्स एक्सिस मेरी रोटेट हो गई 45 डिग्री से, अपनी लोकेशन से 45 डिग्री पर रोटेट हो गई, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, सिमिलरली आप ये चीज वाई के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं वापस जीरो करूंगा और उसके बाद आके ओके कर दूंगा, तो मेरा ये सारा ग्रिड का एडिटिंग का काम। क्या मुझे आप लोग ये कंफर्म कर सकते हो कि यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है? क्या सब लोगों को यहाँ तक क्लियर है? बहुत ही सिंपल चीज है, बताइए, मैंने सिर्फ खेलना है इनके साथ, आपको एडिट कर करके देखना है, इसमें कुछ भी दोबारा सोचने वाला नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। देखिए, अब आता है, ये था एडिट करने का ऑप्शन, ठीक है। अब आती है बात कि अगर आप ग्रिड बनाना चाहें तो क्या होगा, अगर आप कोई ग्रिड बनाना चाहें अपनी तरफ से तो क्या होगा? तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट काम का, सब लोगों को दिख रहा होगा राइट साइड में, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है क्रिएट टाइप का। तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। अब इसमें सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन होता है वो होता है टॉप में ये लीनियर, ठीक है, ये वाला, इसको आप देख रहे हो और एरो बना हुआ है, इसको यहाँ पे ड्रॉप डाउन करो। आपके पास तीन तरीके का ऑप्शन है, एक है लीनियर, एक है रेडियल और एक है इरेगुलर। लीनियर वाली ग्रिड वही है जिस पे हम बना रहे हैं, लेकिन इरेगुलर ग्रिड जो है, आप ये देखिए इसमें जो ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको ओरिजिन डिसाइड करने का मौका मिलेगा, आपको प्लेन डिसाइड करने का मौका मिलेगा, आपको रिलेटिव ग्रिड लाइन डिसाइड करने का मौका मिलेगा कि हर एक ग्रिड के बीच में कितना कितना यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि जो इरेगुलर ग्रिड है वो आप यहाँ रेगुलर ग्रिड से, लीनियर ग्रिड से भी बना सकते हो, ठीक है। आपको बस यहाँ पे नंबर से उल्टे सीधे करने हैं, ठीक है। तो इरेगुलर ग्रिड को हम लोग जनरली नहीं छोड़ते, तो हमारी ज्यादा किसी काम नहीं आती। हमारे जो दो ज्यादा काम आती है वो आती है लीनियर और रेडियल ग्रिड, ठीक है। लीनियर और रेडियल ग्रिड हमारे लिए सबसे ज्यादा काम है। रेडियल ग्रिड में मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको वाटर टैंक करवाऊंगा, ठीक है। रेडियल ग्रिड अभी के लिए हम नहीं कर रहे हैं, अभी मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि लीनियर ग्रिड को क्रिएट कैसे करा जाता है। रेडियल ग्रिड हम तब करेंगे जब कुछ सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, या फिर वाटर टैंक ही जब करेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं लीनियर ग्रिड के ऊपर, तो आपने इसका टाइप सेलेक्ट किया, ये टाइप है, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेम सेलेक्ट, नेम देने का ऑप्शन आ रहा है। आप जब तक नाम नहीं दोगे ग्रिड नहीं बनेगी, ठीक है। तो आप कुछ अलग नाम दो जो पहले नहीं दिया गया था, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल इसका नाम दे दे रहा हूँ रेगुलर, ठीक है। अब आता है सेम वही चीज, आपको प्लेन सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये एग्जैक्ट प्लेन पे बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ये एंगल ऑफ प्लेन मैं चेंज नहीं कर रहा, ओरिजिन चेंज नहीं कर रहा, और ये जो नीचे की चीजें इनको भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनका क्या क्या काम है, आप अपने आप से बना सकते हो, ठीक है। स्पेसिंग आपको कुछ और देनी है आप दीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप जिस तरीके की ग्रिड सोच पा रहे हैं आप वैसी ग्रिड बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये किया और इसको मैंने ओके कर दिया, तो आप देख रहे हैं अभी भी मुझे पहली वाली ग्रिड ही दिखा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों कि अभी वो सिलेक्ट नहीं करी मैंने दूसरी वाली, वो सिर्फ बन के आ गई है, वो सिलेक्ट नहीं करी है। तो पहली ग्रिड है, ठीक है, वो की जगह मैं इस वाले पे सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा ये आप देखोगे कि ये वाली जो ग्रिड है वो आपकी एक्टिवेट, ठीक है, वो आपकी एक्टिवेट हो गई, ठीक है सर। सबको समझ में आ गया। इसके बाद अगर आप वापस पुरानी वाली पे आते हो, एक चीज आपको नोटिस करनी होगी, जो डिफॉल्ट ग्रिड है आपकी जो बनी हुई है, जो सॉफ्टवेयर आपको पहले से बना के दे रहा है, आप उसमें दो चेंजेस कर ही नहीं सकते। वो दो चेंजेस ये है कि आप उसका नाम चेंज नहीं कर सकते, तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरी ग्रिड आपने बनाई है आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, रीनेम कर सकते हो, या फिर आप उसको डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। देखो डिलीट दबाऊंगा वो हट गई, लेकिन जो ये वाली ग्रिड है आप इसको नहीं हटा सकते, ये रहेगी ही रहेगी, इस बात का आप खास खास ख्याल रखें, ठीक है। अब जो नीचे के ऑप्शन है ये सारे सेम वही एडिटिंग के ऑप्शन है जो यहाँ से मैंने दिखाए थे, तो मैं नीचे से नहीं छेड़ता, ये नीचे वाले ऑप्शन को आपको नहीं करना, ठीक है। ये जो स्नैप नोट बीम का ऑप्शन है ये वही है जो आप जब आप देख रहे हो, मैं कर्सर इस ग्रिड के ऊपर घुमा रहा हूँ, तो जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है ग्रिड का, ठीक है, वहां वहां पे वो स्नैप कर रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो वो अब स्नैपिंग बंद कर देगा, देखो मेरा कर्सर चेंज हो, ठीक है। क्या ये बात सब लोगों को क्लियर है? अगर मुझे स्नैपिंग फिर से ऑन करनी है, मैं यहाँ पे दबाऊंगा, यहाँ पे स्नैपिंग ऑन हो जाएगी। दो तरीके होते हैं स्नैपिंग ऑन करने के, एक तो मैं यहाँ से बंद कर दिया, अगर मैं ग्रिड को ऑफ कर दूं यहाँ से इधर से, और यहाँ से वापस ऑन कर दूं तो दोबारा से स्नैपिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर मैं ग्रिड को ऑफ नहीं करना चाहता, सिर्फ स्नैपिंग के साथ ऊपर नीचे खेल करना चाहता हूँ, तो ये स्नैप नोड बीम को यहाँ से सिलेक्ट करके ऑन या ऑफ कर सकता हूँ, धन्यवाद, ठीक है। अब देखो ये तो आपका हो गया सारा ग्रिड का खेलने का इंतजाम, ठीक है। अब मुझे एक बार आप लोग ये प्लीज कंफर्मेशन दे दो कि यहाँ तक सब समझ में आ गया कि नहीं।
एडिट कैसे करना है और क्रिएट कैसे करनी है नई ग्रिड, ठीक है, एडिट कैसे करना है और क्रिएट कैसे करना है, ये सब मेरे ख्याल से आपको आ चुका है, ठीक है। अंदर के सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए, रेडियल ग्रिड में आप लोगों को बात, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले आते हैं कि क्रिएट कैसे करा जाता है कुछ भी, ठीक है, कुछ भी चीज क्रिएट कैसे करी जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जैसे मैंने बंद कर दिया, अब मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे इसके पीछे देख रहे होंगे, स्नैप नोट बीम के पीछे ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला वाला जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है राइट साइड में, ये आ रहा है नोट्स का, और दूसरा वाला जो आ रहा है वो आ रहा है बीम्स का, ठीक। पहला आ रहा है नोट्स का, दूसरा आ रहा है बीम्स का। नोट्स क्या होते हैं, नोट्स अभी देखो जो आपका मेरा कर्सर दिख रहा है, ये स्नैप नोट ऑन हो रखा है तब ऐसा दिख रहा है। अगर मैं स्नैप नोट ऑफ ऑन ऑफ कर दूंगा, देखो अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये ऐसा कर्सर नहीं आएगा, और मैं इसके ऊपर कुछ भी बना क्लिक करूंगा तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो जब मुझे कुछ बनाना है तो इसको ऑन कर लीजिए सबसे पहली बात। अब इसको ले जाओ नीचे, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो आने वाला है मुझे देखना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं एक बीम बनाऊं जिसकी लेंथ हो 4 मीटर, ठीक है, मैं एक बीम बनाना चाहता हूँ जिसकी लेंथ हो 4 मीटर। तो वो कैसे बनेगी, 2 से 6 के बीच में बनाऊंगा मैं, ठीक है, 2 से 6 के बीच में 4 मीटर की बीम बनेगी। तो मैं क्लिक करूंगा एक बार, क्लिक और रिलीज, क्लिक और रिलीज का मतलब समझते हो आप लोग, एक बार क्लिक करके छोड़ देना यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा एक नोड बन गया, आप लोग देख पा रहे होंगे इसको, ठीक है, एक नोड बन गया क्लिक करके। अब उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको माउस अपना ड्रैग करना है। आप अपना माउस को ड्रैग करोगे और खींच के माउस को इधर तक लेके आओ 6 तक, ठीक है। आपको दिख रहा है एक लाइन खिंच गई, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है वो, अगर आप अपने माउस को हिलाओगे ना, ठीक है, तो वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अब आपको यहाँ पे भी एक बार क्लिक करना पड़ेगा, एक बार क्लिक करके फिर से छोड़, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जब आप आगे अपना माउस बढ़ाओगे ना तो आप देखोगे कि वो कंटिन्यू हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप अपना कमांड एंड करना चाहते हो वहां पे तो आपको एस्केप दबाना पड़ेगा, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, इतना सबको समझ में आया, हाँ या ना, प्लीज लिखिए फटाफट। कृष्णम जी, कमांड एंड करने के लिए आपको एस्केप दबाना पड़ेगा, ठीक है, हाँ क्लिक करने के लिए बोला हूं मैं। अभिनंदन जी, फिर से दिखाता हूँ, देखिए अगर मुझे कोई बीम बनानी है, ठीक है, मैंने स्नैपिंग ऑन करी, मुझे कोई बीम बनानी है, मान लो ये मेरी बीम थी, ठीक है, अगली बीम जो मुझे बनानी है वो बनानी है सिर्फ 3 मीटर की। तो मैं देखो ड्रॉ कहीं भी कर सकता हूँ, हर बार जरूरी नहीं है कि मैं 0 से ही ड्रॉ करूँ, ठीक है, मैं ड्रॉ यहाँ से भी कर सकता हूँ 8 से 10 के बीच, वो भी 3 मीटर की बनेगी। तो पहला क्लिक किया, रिलीज कर दिया, मतलब माउस को दबा के छोड़ देना है, बस सिर्फ ड्रैग करो और दूसरी जगह पे आके क्लिक और रिलीज करो, ठीक है, आपकी बीम बन चुकी है। लेकिन ये कमांड एंड नहीं होता, ये कमांड ऐसे एंड नहीं होता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड के ऊपर एस्केप नाम का बटन होता है, ESC जो लिखा होता है आपने देखा होगा, उस एस्केप नाम के बटन को दबाओ, ठीक है, जब आप एस्केप दबाओगे तो आपका काम हो जाता है पूरा यहाँ पर। अब ठीक है, अब क्लियर है सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपने बनाया है, ये बेसिकली है क्या, ये आपका दो नोड्स, आपको ये ब्लैक कलर के दो डार्क डॉट्स दिख रहे हैं, ये दो नोड्स और एक बीम का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये दो नोड्स और एक बीम का कॉम्बिनेशन है। तो जो एड बीम वाला ऑप्शन आया था ना वहां पे बाहर, वो एड बीम का असलियत में मतलब यही होता है कि आपने एक बीम एड कर दी यहाँ पे, ठीक है, और हर एक बीम का जो एंड होगा वो एक नोड जरूर होगा, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप अगर इन नोड्स को हटा दो तो बीम बीच में रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि सिर्फ आप बीम को डिलीट कर दो तो नोट्स रह जाएं बीच में, ठीक है। उसके लिए पहले हमें सीखना पड़ेगा कि बिना बीम बनाए नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, थीके? तो अब ध्यान से देखो, फिर से आप लोग ये ऑफ करके ऑन करोगे तो आपका स्नैपिंग शुरू हो जाता है, ठीक है, यहाँ से ऑफ करके ऑन करोगे दोबारा स्नैपिंग शुरू होता है। अब देखो मैं एक बीम बनाना चाह मैं सिर्फ नोट्स प्लेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं सिर्फ और सिर्फ नोट्स प्लेस करना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे करूंगा, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, उसके बाद अपने कीबोर्ड के ऊपर आप लोग कंट्रोल का बटन दबाएंगे, और कंट्रोल का बटन दबाने के बाद आप दूसरी जगह पे क्लिक करेंगे और फिर रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ पे दो नोट्स बन गए बिना बीच में बीम आए हुए, लेकिन इसके बाद अगर आप दोबारा कंटिन्यू करेंगे दोबारा से बीम आने लग जाएगी, तो आपको क्या करना है, एस्केप का बटन दबाना है, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आई कि बिना बीम बनाए कैसे नोट्स बनेंगे, क्या ये बात सब लोगों को समझ में आई कि बिना, हाँ
बिना बीम बनाए कैसे नोट्स बनेंगे, ठीक है? देख लो, एक बार और बताया तो मैं, एक बार और बताया तो आपने स्नैपिंग ऑन करी ऐसे, ठीक है? यहां से भी स्नैपिंग ऑन हो जाती है, वरना आप यहां से भी कर सकते, ठीक है? फिर आप क्या करोगे, आपको यहां से लेके यहां के बीच में दो नोट्स प्लेस करने बिना बीम बनाए। तो आप पहली जगह पे क्लिक करो, फिर दबाओ कंट्रोल का बटन, ठीक है? कंट्रोल दबाओ अपने कीबोर्ड के ऊपर और फिर दूसरी जगह पे क्लिक कर दो, ठीक है? फिर उसके बाद आप रिलीज कर दो दोनों चीजें, और उसके बाद आप देखोगे कि सिर्फ ये लाइन अटैच है, तो उसके लिए आप एस्केप दबा दो, ठीक है? तो क्या होगा कि आपके दो नोट्स बन जाएंगे। अब बताइए, बताइए शिवम, रवि, सुमन, सौरभ, क्लियर है? चलिए, ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है। अब देखिए आगे, अब क्या होगा, आपने यहाँ पे नोट बना लिए, ठीक है? अब आते हैं कर्सर का खेल, सारा खेल अब आएगा कर्सर का। तो अभी जो आप ये कर्सर देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, इसको कहते हैं बीम कर्सर, ठीक है? इसको कहते हैं बीम कर्सर। अब क्या होगा, इस बीम कर्सर से सिर्फ और सिर्फ बीम ही सिलेक्ट होंगी, आप नोट्स को नहीं छुपाओगे। आप अगर ट्राई करके देखना चाहते हो, इस नोट के ऊपर क्लिक करके भी देख लो, ठीक है? इनको आप सिलेक्ट करके देखो, आप नोट्स को सिलेक्ट ही नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे ही बीम पे क्लिक करोगे बीम सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है? भले ही आप ड्रैग करके करो बीम सिलेक्ट हो जाएगी। देखो नोट्स अभी भी ब्लैक कलर के हैं, लेकिन बीम रेड हो गई, ठीक है? सिमिलरली आप सारी की सारी बीम सिलेक्ट करके, नोट सिलेक्ट नहीं हुए लेकिन बीम सिलेक्ट हो गई, ठीक है? तो ये होता है बीम कर्सर। फिर आता है नोट्स कर्सर, यहाँ पे जो आपका पहला वाला है, यहाँ पे कहते हैं नोट्स कर्सर। अगर आपको नोट को सिलेक्ट करना है तो आप ये वाला सिलेक्ट करोगे, ध्यान से देखो, ठीक है? उस नोट कर्सर को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करोगे तो आपके सारे के सारे नोट सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन बीम, ठीक है? आपके सारे के सारे नोट सिलेक्ट हो जाएंगे लेकिन बीम नहीं होगी। यहाँ पे आप बीम पे क्लिक करके भी देख लो, बीम सिलेक्ट नहीं होगी, लेकिन आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सबके नोट सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? अब देखो, अब आते हैं वापस से बीम कर्सर पे, इस पे यहां से सेलेक्ट किया। अब आप अपना कर्सर अगर एक किसी बीम के ऊपर लाओगे, ठीक है, अपना कर्सर आप लोग लाओगे तो आप लोग देखोगे यहाँ पे कुछ रंग बिरंगा सा दिखाई दे रहा है। वो जो रंग बिरंगा सा दिखाई दे रहा है वो और कुछ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है बीम का, ठीक है? ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है? ग्रीन कलर का मतलब होता है कि जो आपकी बीम का स्टार्टिंग पोर्शन है, ग्रीन कलर की साइड वाला पोर्शन आपका स्टार्टिंग पोर्शन है। मतलब आपने बीम जब बनानी शुरू करी थी तो आपने पहले ग्रीन कलर वाली साइड को क्लिक किया था, ठीक है? ब्लू कलर का मतलब होता है कि आपने जब बीम एंड करी तो उस तरफ वाला पोर्शन क्लिक किया था, ठीक है? और रेड कलर का पोर्शन का मतलब होता है जो आपकी बीम का बीच का पोर्शन है, वो रेड कलर का पोर्शन है, ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रीन कलर हमेशा लेफ्ट साइड में आएगा। आप एक बीम बना के खुद देख सकते हैं, अगर मैं इस बीम को यहां से लेके इस तरफ को बनाऊं, ठीक है, और अब एस्केप का बटन दबा दिया और अब अपना कर्सर इसके ऊपर लाऊं, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि मेरा ग्रीन कलर जो है उस साइड को बन गया, क्योंकि मेरी जो बीम मैंने स्टार्ट करी थी वो इस पॉइंट से करी थी, ठीक है? लेफ्ट साइड को मेरी बीम का ब्लू कलर का पोर्शन है, इसका मतलब कि वो एंडिंग पोर्शन है, ठीक है? ये एनोटेशन है, एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है आपकी बीम का, ठीक है? क्या यहां तक सबको ये बात क्लियर है? हाँ तबरेज जी, जहां से आप स्टार्ट करोगे बीम बनाना वो ग्रीन ही दिखाएगा। उज्जवल, आपका ध्यान कहाँ पे है एक चीज बताऊं, आपका ध्यान कहाँ है ये बताओ मुझे, आप कितनी बार रिपीट करवाओगे आप एक ही चीज को? है नोड में आपको ऑलरेडी 2 या 3 बार बता चुका हूँ, उसके बावजूद आप बोल रहे हो कि, और सबसे सिंपल चीज नोड ही है इसमें, ठीक है? थोड़ा ध्यान थोड़ा सा ज्यादा दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है? चलिए बता देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं नोड बनाना कैसे, आप ये पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं ना उज्जवल जी, या फिर नोड कर्सर के बारे में पूछ रहे हैं, ये बताओ मुझे आप, नोड बनाना कैसे या नोड के कर्सर के बारे में पूछ रहे हैं, बताओ। हाँ बनाने में कुछ भी नहीं करना, आप यहाँ पे स्नैप बीम को ऑफ कर, इसको ग्रिड को ऑफ करके ऑन करो, आपकी स्नैपिंग स्टार्ट हो जाती है।
आप बटन दबाओ कंट्रोल का, एक जगह पे क्लिक करो, उसी जगह पे क्लिक करो और फिर छोड़ दो, एक जगह पे क्लिक करो, दूसरी जगह पे क्लिक करो और छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये कमांड ऑफ करना है तो एस्केप दबा दो, ठीक है। बस बन गया आपके नोट्स, बताओ कोई दिक्कत? उज्ज्वल जी आया समझ में? बस सही है, बहुत इजी है, सारी चीजें बहुत इजी है, पता है आपको, कुछ भी नहीं है इसमें ज्यादा, एक बार बेसिक टूल सीख गया कुछ भी बना सकते हो अपने मन का। चलिए आगे करते हैं, आपने यहाँ पे नोट जरूर बना लिया। अब देखो अगर आपको नोट्स को सिलेक्ट करना है, मैं आपको बता चुका हूँ, नोट कर्सर यहाँ से सिलेक्ट करो, उसके बाद इन नोट्स को सिलेक्ट करो जो आपके काम के नहीं है, ठीक है, और इनको कर दो डिलीट। डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो आपने नोट को सिलेक्ट करे सारे के सारे, ठीक है, उसके बाद आपके कीबोर्ड पे डिलीट का बटन है, वो डिलीट के बटन को दबाओगे, आपसे पूछेगा कि आप कंफर्म करो डिलीट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। मैं करना चाहता हूँ, मैं यस कर दूंगा और डिलीट हो जाएगा, बस इतना करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है, बस इतना ही करना है। यहाँ पे किया डिलीट दबाया, ठीक है, सेम चीज बीम के साथ भी है। आप बीम कर्सर यहाँ से सिलेक्ट करोगे, बीम कर्सर से आप बीम सिलेक्ट करो, जैसे मैंने एक बीम सिलेक्ट करी, अगर मुझे दूसरी भी करनी है तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इसे ड्रैग करके कर लूँ, या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं ये और ये एक साथ से, ठीक है। अब देखो मैं लेकिन अलग अलग दिखाता हूँ क्योंकि दो ऑप्शन आएंगे। आप बीम को क्लिक करो और डिलीट का बटन दबाओ, ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि आपकी एक बीम जाएगी, कि आप कंफर्म करते हो, मैंने ओके, जब मैंने ओके कर दिया वो मुझसे पूछ रहा है कि बीम डिलीट करने के बाद आपके पास नोट्स रह जाएंगे, तो आप उन नोट्स को डिलीट करना चाहते हो कि रहने देना चाहते हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं नोट्स को भी डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने यस किया तो वो नोट्स भी डिलीट हो गए, ठीक है, क्यों, नोट्स का मतलब खत्म हो गया था वहां पे बिना बीम के, इसलिए उसने मुझसे पूछ लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से सेम चीज करता हूँ, इसको क्लिक किया, इसको डिलीट किया, ओके किया, तो मुझसे पूछा है कि आप नोट्स हटाना चाहते हो, नहीं मैं नहीं हटाना चाहता, नो किया, तो नोट्स वहीं के वहीं रहेगा लेकिन बीम चली गई, ठीक है, लेकिन बीम चली गई। तो ये है इसका सारा फंक्शनिंग, ठीक है। अब मैं इन नोट्स को भी हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ नोट्स को हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये नोट्स भी चले गए। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा आखिरी चीज, एक बार और, मतलब आखिरी जो मेरा आज का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो बीम और नोड मैं इस ग्रिड सिस्टम के ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है, जो मैं नोड और बीम्स बना रहा हूँ, ये मैं बिना यहाँ पे क्लिक करे भी बना सकता हूँ, सिर्फ वैल्यू फीड करके, ठीक है। वो कहाँ से होता है वो देखिए, अभी मैं, आप लोग जानते हैं मैं ज्योमेट्री टैब के अंदर हूँ, ठीक है, अगर मैं सेटअप में भी आ जाता हूँ, मैं वापस यहाँ से ज्योमेट्री टैब के अंदर आ सकता हूँ, ठीक है, मैं ज्योमेट्री टैब में आ गया। ज्योमेट्री टैब में आने के बाद आप यहाँ पर राइट साइड में देख रहे होंगे, आपको नोड्स का एक कॉलम दिखाई दे रहा है, एक बीम का दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे रेफरेंस के लिए अपनी ग्रिड को ऑन करना ही पड़ेगा, ठीक है, मुझे रेफरेंस के लिए अपनी ग्रिड को ऑन करना ही पड़ेगा। अब मैं इसको खिसका के ले आता हूँ नीचे, और मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, अपने नोड्स और बीम्स को इस टेबल के थ्रू फीड करना है, ठीक है। अभी आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि जो पहले से नोड्स बने हैं उनके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा जो नोड नंबर वन है वो ये वाला है यहाँ पे जो आप देख, इसका कोऑर्डिनेट क्या है आप लोग बता सकते हो, आप लोग बता सकते हो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, जी, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है 20, ठीक है, कृष्णम जी आप 6 की बोल रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 20, ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं x y कोऑर्डिनेट दिखा रहा है 20, z का भी मतलब नहीं क्योंकि z एक्सिस ही नहीं है इस पर, ठीक है। सिमिलरली जो नोड नंबर दूसरा है मेरा, ये नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है, इसका आप कोऑर्डिनेट देख पा रहे हो 600, ठीक है, 600 इसका कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 60 क्यों है, क्योंकि सिर्फ x एक्सिस पे बने हुए हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ, मान लो मैं एक नोड बनाना चाहता हूँ, ठीक है, इसकी लोकेशन यहाँ पे होगी जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो मुझे बताओ उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ मैं फीड कराऊंगा उस कोऑर्डिनेट, बताओ आप लोग मुझे बताओगे कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 21, ठीक है, बहुत सिंपल, उसका कोऑर्डिनेट होगा 21। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे फीड करूंगा 21, ठीक है,
जैसे मैं 2-1 फीड करूंगा आप लोगों को यहाँ पे एक नोड लिखने लग जाएगा, ठीक है। अब जो मैं अगला नोड बनाना चाहता हूँ वो मैं बनाना चाहता हूँ इस लोकेशन पे, यहाँ पे जहां मेरा कर्सर है, तो आप लोग बताओ उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। एट वन, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आप डालोगे आप, ठीक है, ये दूसरा तरीका है नोट्स बनाने का, मैं आपको बता रहा हूँ बस कि सारे ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अगले पे, पांचवे नंबर, इसको मैं अभी नहीं बना रहा, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया नोट्स। अब मैं आपको बताता हूँ बीम्स कैसे बनती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो मेरी पहली नंबर की बीम बनी हुई है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो बीम बनी हुई है मेरी, ये नोड नंबर 1 और नोड नंबर 2 के बीच में बनी, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट भी ऐसे किया जाता है, यहाँ पे देखो बीम्स वाले कॉलम में जो बीम नंबर 1 है मेरी, नोड ए जो है उसका नोड नंबर 1 है, नोड बी जो है उसका नोड नंबर 2 है। तो मुझे जो दूसरी बीम बनानी है वो इसके और इसके बीच में बनानी है, ठीक है, इस नोड के और इस नोड के बीच में। तो बताओ मैं यहाँ पे क्या वैल्यूज फीड करूंगा, बताओ। बताइए मैं क्या वैल्यूज फीड करूंगा वहां पर, दोनों बताओ, नोड ए और नोड बी के नीचे मैं क्या वैल्यूज फीड करूंगा। यहाँ पे सब गलत जा रहे हैं और अभी तक सिर्फ एक स्टूडेंट का सही आंसर आया है, 2 का इनफैक्ट, अंकित और मिली। ओ हाँ, अंकित और मिली जी का सही आया है, ठीक है। राहुल देखो आप लोग समझ नहीं रहे हो बात को, आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे भी, अभी यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बता रहे हो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट छोड़ना है, यहाँ पे तो आपको लोकेशन बतानी है नोड्स की। जो मेरी बीम बनेगी यहाँ पे, ये नोड नंबर 3 और नोड नंबर 4 के बीच में बनेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे डालोगे 3, 4, ठीक है। जैसे ही आप डालोगे आप देखोगे आपकी यहाँ पे बीम बन चुकी है, ठीक है, ये दिख रहा सब लोगों को, यहाँ पे आपकी बीम बन चुकी है। तो इस तरीके से आप इसमें क्रिएशन करते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसमें क्रिएशन को कैरी आउट करते हैं। या तो आप डायरेक्टली ग्रिड के ऊपर बनाओगे अपने माउस को यूज करके, या फिर आप क्या करोगे टेबल्स को यूज कर सकते हो बनाने के लिए, ठीक है। अब अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो जरूरी नहीं यहीं से डिलीट करो, आप यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे वाली बीम बनाई आपने, ठीक है, ये वाली बीम है, इसको आप डिलीट करना चाहते हो, आप इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे कीबोर्ड पे अपने डिलीट दबाओ, ओके, यहाँ पे ओके कर दो, खत्म, बीम खत्म, ठीक है। आप ये जो नोड्स है इनको हटाना चाहते हो, ये सेलेक्ट करो, डिलीट करो, ओके, ठीक है, नोड खत्म, ठीक है। इस तरीके से आप ये सारी चीजें कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना आपके लिए काफी है, आप लोग इतना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी क्लास जितना टाइम बचा है आप लोग करेंगे 12:45 तक, उसके बाद घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और फिर मंडे को जब वापस क्लास होगी अगर आपके मन में कोई डाउट्स रह जाएंगे आप पूछ सकते हैं बिल्कुल आके, लेकिन जितना पढ़ाया है उसमें से ही पूछ, ठीक है, अपनी ओवर इंटेलिजेंस दिखा के आगे के डाउट्स मत पूछना, क्योंकि मैं सारी चीजें कवर कराऊंगा, ठीक है, सबके साथ।